दोस्तों, मैं हूं मंटू। एक नई ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी आप पीछे देख सकती है जंगल है, तो आप सोच सकते हैं कि जंगल में क्या कर रहा है। कुछ दिन के बाद या कुछ महीने के बाद इसी जंगल के सारे आप पटना सिटी स्टेशन पर जा सकते हैं, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं पटना मरीन ड्राइव के यहाँ पर कैटीवीटी है और ये पटना सिटी की ओर जाएगी। तो चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं, मेरे साथ वीडियो में आप बने रहें। तो हेलो दोस्तों, तो देखिए मैं आ चुका हूँ जहाँ से कनेक्टिविटी जहाँ से ज्वाइंट होगा और यहाँ से पटना सिटी की ओर जाएगा। देखिए यहाँ पे काम चालू है, तो देखिए आपको पूरी दिखाते हैं। और सामने देख सकते हैं पटना दीघा जो मरीन ड्राइव है, वहाँ से होते हुए देखिए सामने आएगी। और देखिए यहाँ पे पूरा जोर शोर से काम चल रहा है। अब ये फिलहाल उधर गाय घाट पुल तक ही उद्घाटन हुआ था दूसरा फेज, और इसके आगे कंगन घाट भी है, जो कंगन घाट में भी एक ज्वाइंट कनेक्टिविटी है जहाँ से वहाँ बन के भी कम्प्लीट हो चुके हैं। और दूसरा देखिए तीसरा फेज में जो बनने वाले उद्घाटन होने वाली है, जो देखिए दो उद्घाटन होगा और यहाँ से देखिए सीधे बनते हुए पटना सिटी की ओर जाएगी। और देखिए यहाँ पे पूरा काम देखिए बढ़कर लोग पूरा जोर शोर से काम चल रहे हैं। और इधर का काम देखिए जो दीदारगंज एंड पॉइंट तक जाएगा, उधर भी काम देखिए चल रहा है। जो अभी गंगा के स्तर जो उधर बढ़ा हुआ है, इधर फिलहाल उधर गंगा किनारे के साइड यह काम बंद है, लेकिन अभी यह काम चालू हो चुका है। और ये आगे आपको दिखाने हैं सिटी स्टेशन तक, जो सिटी स्टेशन तक ये जाएगी, यहाँ से कनेक्टिविटी होती हुई सिटी स्टेशन तक आएगी। आपको सिर्फ सिटी स्टेशन की जानकारी देने आए हुए हैं, तो चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। और तो देखिए आप देख सकते हैं यही पटना मरीन ड्राइव जो पटना होते हुए आएगी, और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा खासा चौला रोड या फोर लाइन बनने वाला है, आपको यहाँ पे दिखा दिए थे। और इधर साइड आपको देखा है जो सीधे दीदारगंज एंड पॉइंट के पास जाएगी। देखिए यहाँ पर तक इतना ही कम्प्लीट है, आगे अभी पानी के स्तर बढ़ने हुए काम बंद हो गया था, लेकिन अब यह काम चालू होने वाला है। और यहाँ पर देखिए फोर लाइन का रोड बनने वाला है सिटी की ओर जाने वाला। और चलिए आपके पूरे आगे सिटी स्टेशन की ओर ले चलते हैं, ये कहाँ तक बन के कम्प्लीट है। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, ये चालू हो जाएगा रोड तो लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो पटना से जो मार्केटिंग करने आते हैं पश्चिम दरवाजा सत्र गली मारूगंज जो मार्केटिंग करने आते हैं, आपको पता होगा रोड पर कितना जाम होता है। अगर ये चालू हो जाएगा तो जो गाय घाट से आराम से ये पटना सिटी के पास आ जाएंगे, मारूगंज और पश्चिम दरवाजा सत्र गली आराम से मार्केटिंग करते हुए आराम से चल जाएंगे। और वैसे फतुआ से भी लोग आते हैं जो दीदारगंज से आराम से आएंगे और मारूगंज मार्केटिंग और पश्चिम दरवाजा मार्केटिंग करते हुए आराम से चल जाएंगे। तो ये बनने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, जाम से लोग छुटकारा पा लेंगे इस रोड में। और देख सकते हैं सामने से आए हुए हैं, और इधर देखिए पिच होना स्टार्ट हो चुका है, और इधर देखिए पिच वहाँ आगे तक ये पिच हो चुका है, एक साइड पिच हुआ और एक साइड पिच अभी नहीं हुआ है, एक साइड पिच होना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं। और सामने देखिए यही सामने आप सिटी स्टेशन मसलामी और सिटी स्टेशन की ओर जा सकते हैं। अभी चलिए आपको कहाँ तक कंप्लीट हुआ है आपको दिखाते हैं। तो चल देखिए आपको दिखा दिया था जहाँ से कनेक्टिविटी मिलने वाली है सिटी के स्टेशन की ओर जाते हुए, देखिए सामने आगे है। और सामने आगे देखते हैं यहाँ पे कम्प्लीट है, और देखिए कहाँ तक बन के कम्प्लीट है, सिर्फ आप देख सकते हैं यहाँ तक ही कम्प्लीट बन के कम्प्लीट है। और सामने देख सकते हैं ये पहले पटना घाट स्टेशन हुआ करता था, इसी के रास्ते होते हुए पटना सिटी स्टेशन की ओर जाएगी रोड, और यहाँ तक ही रोड बन के ये कम्प्लीट है। तो कुछ देरी पहले आपने देखा था इसी जंगल में, हम आपको बताया था कि इसी जंगल से होते हुए सिटी स्टेशन की ओर जाएगी। तो चलिए आपको सिटी स्टेशन के भी आपको रास्ता दिखा देते हैं कैसे ये रोड बन के जाएगी आगे सिटी स्टेशन की ओर। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो साइड है वहाँ पे पिच होकर यह बन के कम्प्लीट है, और ये देखिए पूरा जंगल है, यह सब कटते हुए यह सिटी स्टेशन की ओर जाएगी बनते हुए, पूरा देखिए पूरा जंगल पंगल है, इसी रास्ते से आप सिटी स्टेशन की ओर जाएगी जब यह कम्प्लीट ये बनकर हो जाएगी कम्प्लीट। तो चलिए आपको आगे भी दिखाते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे हमने शुरुआत किया था, इसी रास्ते हुए मसलामी और सिटी स्टेशन की ओर जाएगी। तो अपने सामने देख चुके हैं पटना के मरीन ड्राइव जहाँ कनेक्टिविटी आपको पूरी जानकारियाँ पूरा दिखा दिए हैं किस तरह से ये काम चालू है। एक जगह पिच हो चुका है, पिच होना स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए आपको पूरा स्टेशन की ओर आगे भी दिखाते हैं। और आप देख सकते हैं यही पटना घाट है जो पहले यह स्टेशन हुआ करती थी, पटना घाट से यह दीघा घाट ये स्टेशन तक जाती थी, और ये कुछ दिन के बाद यहाँ पर देखिए फोर लाइन के हाईवे रोड बन जाएगा जो मसलामी होते हुए पटना सिटी की ओर जाएगी। सामने आपको दिखाया था, यह सामने आपको
बनते हुए आपको दिखा दी, एक साइड रोड भी बनना स्टार्ट हो चुका है और कुछ दिन के बाद इधर भी हाथ लगेगी और बनते हुए देखिए इसी जंगल के थ्रू होते हुए सीधे पटना स्टेशन की ओर जाएगी। और आप देख सकते हैं सामने से आते हुए आए थे गंगा किनारे पटना घाट से, और देख चुके हैं पूरा यह ट्रैक बना हुआ है, यह पूरा ट्रैक हटेगा और इसी पे फोर लाइन रोड बनेगा। और देखिए आ चुके हैं हम मसलामी की, और देख सकते हैं यही मसलामी मेन चौराहा है ऑटो स्टैंड, और यहाँ पे बहुत बड़ा चौराहा बनेगा जो आगे भी सिटी स्टेशन की ओर चलेगा। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं इसी रास्ते से होते हुए पटना सिटी और के रास्ते स्टेशन जाएगी। आप देख सकते हैं यही मसलामी ऑटो स्टैंड है और यहाँ पे बहुत बड़ा चौराहा रोड बनेगा, और यहीं पे सामने देखिए सिटी स्टेशन की ओर जाने वाला रास्ता है और यहाँ मारूगंज जाने वाला रास्ता है। आप देख सकते हैं इसी से रास्ते होते हुए सिटी स्टेशन की ओर जाएगी। तो चलिए आपको हम सिटी स्टेशन की ओर रास्ता की ओर ले जाते हैं। और देखिए सामने आपको दिखा दिए हैं, सामने मसलामी ऑटो स्टैंड है और सामने बहुत बड़ा चौराहा बनने वाला है और यहीं से सिटी स्टेशन की ओर जाएगी। और सामने देख सकते हैं सिटी स्टेशन है, तो चलिए आज सिटी स्टेशन के भी और आगे लेके चलते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं यही है जो पटना घाट या मरीन ड्राइव से होते हुए मसलामी होते हुए सिटी स्टेशन की ओर जाएगी। इसके आगे कहाँ जाएगी इसका पता नहीं, इस किधर मुड़ेगी पता नहीं, इसके पीछे पटना स्टेशन है। अगर यहाँ से आपको हमको पता चलता है तो आपको अपडेट दे देंगे। और देखिए यहाँ आगे बाद देखिए रेलवे ट्रैक है और रेलवे स्टेशन है, पटना साहिब स्टेशन है। तो आपको पूरी जानकारी दे दी है जो मरीन ड्राइव होते हुए पटना घाट से होते हुए मसलामी या पटना सिटी स्टेशन की ओर जाएगी। और कहाँ तक जाएगी सिटी स्टेशन की ओर जाएगी कि आगे बढ़ेगी इसका कोई आइडिया नहीं है, नहीं पता। अगर पता चलता है तो ऐसे ही आपको अपडेट देंगे। बस इतना ही वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। बस फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अभी के लिए जय हिंद।